In this video, I am going to show you how to create social media creatives in Adobe Photoshop. What size should you take for it? Hi guys, my name is Pradyum Kadam and I am founder of UK Grow as well as PK100.in, जहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ Adobe Photoshop CC 2021 Basic to Advanced. So guys, आज हम देखने वाले हैं कि हम Photoshop में सोशल मीडिया रिलेटेड क्रिएटिव्स किस तरह से बना सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक चीज, आप साइज मेक श्योर गूगल से ले लो, क्योंकि हर साल नए नए अपडेट सोशल मीडिया में आते ही रहते हैं. सो गाइस, आपको एक चीज करनी है कि सोशल मीडिया की साइजेस, लेटेस्ट साइजेस क्या है, इस तरह हम गूगल का यूज करके चेक कर सकते हैं. सो हम डालेंगे गूगल के ऊपर कि लेटेस्ट सोशल मीडिया साइजेस, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन. अभी 2021 में लेटेस्ट फेसबुक की साइज है 1080x1080. यही साइज आप इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हो. लेकिन एक बात याद रखना, लिंक्डइन के लिए ये साइज नहीं चलेगी. लिंक्डइन के लिए आपको साइज लेनी पड़ेगी 1200x1200 की. आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा. यदि ये डाउट आपको क्लियर नहीं होता है तो जस्ट आप गूगल पे डाल के देख सकते हो, जो भी आपको सोशल मीडिया की साइज चाहिए होगी या कुछ भी. सो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो गाइस, आप जब भी सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बना रहे हो, फर्स्टली आपको कलर चूज करना है. जस्ट लाइक आप ई कॉमर्स के रिलेटेड बना रहे हो तो आपको लाइट कलर ही यूज करने हैं, ना कि डार्क. ठीक है. सो आप फर्स्टली फाइनलाइज कर लो कलर्स जस्ट लाइक दिस. सो दिस वन इज अ पावर एंड अटेंशन के लिए आप ये कलर यूज कर सकते हो. पॉजिटिविटी के लिए येलो, एंड देन एनर्जी के लिए ये वाला, या नेचर के लिए ये वाला. सो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं कलर्स थ्योरी के. सो आप एक बार गूगल से एक बार चेक कर लो कि आपका प्रोडक्ट किस रिलेटेड है. सो आपका प्रोडक्ट नेचुरल रिलेटेड है, नेचर रिलेटेड है, तो आप सेलेक्ट कीजिए दिस वन. ओके. आपका प्रोडक्ट कॉर्पोरेट रिलेटेड है तो आप ये कलर के साथ जा सकते हो. या आपका कलर एनर्जेटिक है, या कुछ हेल्थ रिलेटेड है, या बॉडी रिलेटेड है, तो आप स्किन टोन की कलर से मैच कर सकते हो लाइक दिस. उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लाइंट से डाटा लेना है प्रोडक्ट के बारे में, या आपका जो भी कंटेंट राइटर है वो आपको डाटा दे देगा. इसके बाद ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, फोटोशॉप ओपन करना है जल्दी से, और क्रिएट अ न्यू फाइल करना है, और जो भी साइज आपको चाहिए. तो मैं अभी फेसबुक के रिलेटेड पोस्ट एक क्रिएटिव डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा. सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम Adobe Photoshop. सो ओपन अप फोटोशॉप एंड क्रिएट अ न्यू फाइल ऑन डिपेंड इट्स ऑन योर साइज. सो आई कैन सेलेक्ट दिस वन एंड देन क्रिएट इट. ओके. फर्स्टली हम जानते हैं कि कलर्स किस तरह से हम चूज करें. ठीक है. सो मैं अभी ये कलर ले रहा हूं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है ये वाला. गॉट इट. इसको मैंने सिंपल पीएनजी किया हुआ है पेन टूल की मदद से. आपने अगर ये वाला वीडियो देखा नहीं है, पेन टूल का यूज हम किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे आपको आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके फर्स्टली पेन टूल का लेक्चर अटेंड कर लीजिए, देन उसके बाद ही ये वीडियो देखिए. सो मैंने सिंपल ये वाला पीएनजी इमेज कन्वर्ट किया हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट है. सो इस रिगार्डिंग हम कलर चूज करेंगे ये वाला. सो सिंपल मैं आई ड्रॉप सेलेक्ट कर रहा हूं एंड कलर, एंड देन क्रिएट अ न्यू लेयर एंड फिल इट अल्ट बैकस्पेस. गॉट इट. प्रेस वी. मैं इसको यहां पे रख रहा हूं एंड देन क्रिएट अ रेक्टेंगल, सी लाइक दिस.
फिल द कलर व्हाइट, या आप मिड टोन कलर से भी जा सकते हो या स्किन कलर के साथ, गॉट इट। इसको आपको ये प्रोडक्ट के नीचे लाना है, तो सेलेक्ट रेक्टेंगल लेयर एंड होल्ड इट एंड ड्रैग इट, गॉट इट, एंड सेलेक्ट टू लेयर एंड अलाइन सेंटर, दैट्स इट, ओके। और इसके बाद आपको कंटेंट ले लेना है आपके कंटेंट राइटर के साथ से मिलके, या आपको क्लाइंट ही दे देगा, ठीक है। सो फर्स्टली प्रोडक्ट किस रिलेटेड है, जस्ट लाइक ब्यूटी। सो हम क्या करेंगे कि ब्यूटी मैं यहां पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूं और मैं कंट्रोल वी कर रहा हूं, कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं लाइक दिस, और इसमें मैं प्रॉपर्टीज में जाके ये पूरा का पूरा कैप्स कर रहा हूं, ओके। देन कंट्रोल टी करके मैं इसकी साइज थोड़ी सी बिग कर देता हूं, एंड देन एंटर, सेलेक्ट इट, डबल क्लिक ऑन, एंड यहां पे मैं कौन सा भी एक फॉन्ट चूज कर रहा हूं, उसका मैं बोल्ड, क्योंकि ये आपको हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट रिगार्डिंग दिस पॉइंट सो मेंशन होना चाहिए, दैट्स व्हाई। सो हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे जस्ट लाइक 15%, ओके, और इसकी साइज हम बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये हाईलाइट नहीं करना है, दैट्स व्हाई। और हम ये वाली लेयर को इसकी साइज थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं हम 25, इट्स इनफ, कंट्रोल टी करके यहां से इतना, ठीक है, और इसको हम, इट्स गुड, या इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा टाइटल, सी लाइक दिस, ये वाला टाइटल जो है ये है व्हाइट ग्लो स्किन व्हाइटनिंग। सो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं, टी, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, और इसको मैं सिंपल रखना चाहता हूं, सो एंड फॉन्ट इज टाइम्स, सेलेक्ट इट एंड बोल्ड, और उसके बाद मैं ये जो स्किन कलर है यही मेरे को हाईलाइट करना है, सो मैं इसको एंटर कर रहा हूं, ओके, एंड देन इसको मैं यहां पे रख रहा हूं इसके सेंटर को, ठीक है, कंट्रोल टी करके यहां पे मैं, और इसकी मैं एक और कॉपी ले रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्रेस करके, एंड देन डबल क्लिक ऑन इट एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल ए एंड दिस कलर में सेलेक्ट कर रहा हूं, ओके, और इसकी साइज में थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा देता हूं, ठीक है, और इसको मैं रख लेता हूं यहां पर, थोड़ा सा ऊपर लेते, इट्स गुड। सो इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते, ठीक है, इट्स गुड। और उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, ओके, सो उसके बाद डिस्क्रिप्शन लाने के लिए मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टूल एंड कंट्रोल वी। सो इसकी मैं साइज बहुत ही कम करना चाहता हूं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, ये हाईलाइट नहीं करना है आपको, ठीक है। सो मैं 30 समथिंग कुछ कर लेता हूं, सेलेक्ट ऑल एंड अल्ट प्रेस से मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा लेता हूं जस्ट लाइक दिस, और अल्ट एरो की तरफ से मैं इसकी ये वाली स्पेसिंग कम करना चाहता हूं, सो दैट्स व्हाई यहां से मैं इसको एंटर कर रहा हूं, और ये आपको बोल्ड नहीं करना है, ठीक है, बोल्ड नहीं करना है आपको ये, प्लीज मेक श्योर अलाइनमेंट शुड बी प्रॉपर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये परसेंटेज वाला पार्ट हाईलाइट करना है, सो लेटेस्ट अब भी चल रहा है
इट्स सिंपल, एकदम सिंपल, इसको आप बटन मत दीजिए क्योंकि ये रीच वाला फील लेंगे आपको। सो आप अभी सिर्फ अलाइनमेंट पे ही ध्यान दीजिए क्योंकि अलाइनमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आपको ये वाला स्पेसिंग एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस, और इसको मैं सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं, और इसके नीचे मैं अलग कौन सा भी फिल करके देख लेते हैं। इसको मैं पीछे की तरफ ला रहा हूं, इट्स गुड, ये हाईलाइट भी हो रहा है, और मेक श्योर इसका अलाइनमेंट आपको यहां करना है जस्ट लाइक दिस। इट्स टू सिंपल एंड इट्स फाइन राइट नाउ। ओके, आप इस तरह से क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हो अडोबे फोटोशॉप का यूज करके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल से या इस वीडियो से कुछ भी आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिला है तो ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप इन माइंड लर्न वर्क अर्न। थोड़ा सा लेट हो गया, थैंक यू।